बारामूला विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन बेग ने रविवार को कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू कश्मीर को कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं मिला है। बेग ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधानों को बनाए रखने में कोई ठोस नुकसान नहीं है। इस बीच बेग जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं ने भी बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें हर मौसम में सड़क कनेक्टिविटी, मनोरंजन केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के साथ शहर के बुनियादी ढांचे के सुधार का वादा किया गया। उन्होंने कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फसल कटाई के बाद फल प्रौद्योगिकी स्थापित करने और केबल कार परियोजनाएं शुरू करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बेग ने घोषणा पत्र में असंतुष्ट युवाओं के पुनर्वास, सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन और नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना करके नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने का भी वादा किया। साथियों, कोई 10 साल के बाद ये पहली बार है कि मैं एक रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हूँ। 10 साल से पहले मेरा जो रिश्ता था बारामूला के इलाके के साथ, उसके लिए मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोजेक्ट बनाया था जिसका टाइटल था ग्रेटर बारामूला प्रोजेक्ट। क्योंकि बारामूला सिर्फ कस्बा नहीं है, ये एक फैलती हुई सरजमीन है। और ये ख्याल मुझे उस वक्त आया था जब मैं 8वीं जमात में पढ़ता था कि वहां एक बाजार है जिस बाजार पे कुत्ते, गधे ये सब घूमा करते थे। बहुत बड़ा एरिया था, तो जैसे मुझे थोड़ा सा भी इख्तियार मिला तो मैंने सबसे पहले वो वहां पे वो बाजार बनवाया और उसके बाद कई पार्कें बनवाई, मेरे ख्याल में कोई 5-7 पार्कें बनवाई और प्रोजेक्ट का नाम रखा था हमने बारामूला प्रोजेक्ट, ग्रेटर बारामूला प्रोजेक्ट। शुरू किया था हमने, लेकिन नागजीर वजूहत, 10 साल तो कोई डेमोक्रेसी नहीं रही, कोई हुकूमत नहीं बनी, उनकी वजह से ये प्रोजेक्ट नामुकम्मल रहा। ये प्रोजेक्ट बुनियादी ढांचा ठीक करने के लिए, खासकर तमाम मौसमी सड़क रबते, क्योंकि हमारे यहाँ 4 किस्म के मौसम है तो 4 किस्म की प्रॉब्लम हो जाती है सड़कों की। बुनियादी ढांचा ठीक करने के लिए, खासकर तमाम मौसमी सड़क रबते तफरी हाल, उसमें ज्यादा तरक्की हमने नहीं की थी, लेकिन मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कि तकरीबन हर मोहल्ले में एक तफरी हाल होना चाहिए जहां किसी को मंगनी है, शादी है, ब्याह है, वेलकम है, उसके लिए एक अच्छी जगह हो। और फ्रूट और सब्जी मंडी कायम की जाए रेगुलर, जिस तरह देरी में फ्रूट जाया ना हो सके इसके लिए सरद खाने लाजमी, कोल्ड स्टोरेज का होना जम्मू कश्मीर में शिमला से भी ज्यादा लाजमी है। और